तो दोस्तों मैंने एंट्री वगैरह करवा दी अंकल जी से। अब वो एक लेबर वाला आया, उसने बोला और सारे तरह का सामान इनके तो आप इनकी दुकान दिखाता हूँ आप लोग। तो दोस्तों वहाँ से निकले, डीजल वगैरह भराया गाड़ी के अंदर, और डीजल भराने के बाद हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप दोस्तों फिर से मैं न्यू लोग में आप सभी का कैसे हो आप लोग, आए हो आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने गाड़ी भर ली है, मेरी लोडिंग कर ली है खानगढ़ के लिए, और यहाँ पर काटा है, काटा करवा लेते हैं, काटा करवा के फिर बिल वगैरह लेंगे, फिर निकलते हैं। तो दोस्तों अब करवाते हैं काटा, काटा मेरे सामने इधर ही है, काटा करवाते हैं। तो मैं काटे पे आ चुका हूँ, काटे पे अब मैं काटे पे मेरी गाड़ी को लगाता हूँ। तो दोस्तों वहाँ से निकले, डीजल वगैरह भराया गाड़ी के अंदर, और डीजल भराने के बाद हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं फ्यूल वगैरह में कुछ मिस्टेक हुई हो, हमने सब चेक भी कर लिया फिर भी हमारे को पता नहीं चल रहा। फिर हमने डायरेक्ट पेट्रोल से करंट लेके पंप पे और फिर स्टार्ट किया गाड़ी को, और मिस्त्री के पास जा रहे हैं वहाँ गाड़ी को ठीक ठाक करवा के, ठीक है पूरा कंप्लीट करवा के निकलेंगे वहाँ से। तो दोस्तों हम चलते हैं मिस्त्री के पास सीधा। तो दोस्तों हम मिस्त्री के यहाँ आ गए हैं और गाड़ी को तो हमारे कंप्लीट कर दिया है, और अब ये पार्किंग लाइट है ये थोड़ी थोड़ी चलती है, तो मैं नहीं डलवा रहा हूँ, तो ये वाली लाइट डलवा रहे हैं हम, अच्छी वाली लाइट अच्छी है ना राकेश, मजा नहीं आया। ये भैया हमारे लाइट डाल रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ काम करवा सकते हो। एड्रेस बताओ भैया, राजसमंद बडाड़ा के यहाँ दुकान है इनकी, नादवारा रोड। तो आप भी ज़रूर आइए और इनके पास काम करवाए, मैं परमानेंट इनके यही काम करवाता हूँ, तो आप भी ज़रूर यहाँ पे संपर्क करें और काम करवाए भैया से। तो इनकी दुकान का नाम है धर्मराज पेट्री बडाड़ा, है ना? हाँ, तो ये है, आके जरूर ट्राई करें यहाँ पे, और सारे तरह का सामान है इनके दुकान। तो आप इनकी दुकान दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, तो ये भैया की दुकान है। ये इनकी दुकान है और इनके मोबाइल नंबर भी है। तो अब हम भी डलवा के निकलते हैं दोस्तों यहाँ से, और भैया के यहाँ हर एक प्रकार की लाइट मिल जाएगी, जो आपको चाहिए हॉर्न वगैरह वगैरह पूरा, जो गाड़ी का पूरी जो लाइट वगैरह सब पार्किंग का सब सामान इनके, लाइट सबसे अच्छी वाली लाइट रखते हैं, और मैं भी परमानेंट इनके यही डलवाता हूँ, तो आप भी ज़रूर आइए और इनके यहाँ डलवाइए। तो दोस्तों हमारी गाड़ी का पूरा काम कम्प्लीट हो गया है, अब यहाँ से अपन निकलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो छोटा मोटा सामान था कम था वो हमने ले लिया, अब निकलते हैं यहाँ से उदयपुर भाई पास पार करके खड़े अपन। तो दोस्तों अब अपन निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों सभी भाई ने गुड मॉर्निंग, और मैं आ गया हूँ अपने थानगढ़ से। अब यहाँ से मेरा थानगढ़ होगा 40 किलोमीटर के आसपास होगा, मैं यहाँ रास्ते पर रुका, टायर वगैरह देख लेता हूँ, और दोस्तों मैं फिर निकलता हूँ सीधा फैक्ट्री के लिए। अब सीधा फैक्ट्री में जाएंगे, राकेश हो गया, राकेश ने मेरे को उठा दिया था, इसने बोला भैया मेरे को नींद आ रही है आप चलाओ, तो मैं चला रहा हूँ अपने यहाँ से लीमड़ी से मैं चला रहा हूँ। तो अब दोस्तों निकलते हैं सीधा फैक्ट्री के लिए। दोस्तों मैं अब पहुंच चुका हूँ थानगढ़, अब यहाँ कांटे पे चले जाते हैं, कांटे पे फिर पार्टी वाले को फ़ोन कर देंगे, वो लेने के लिए आ जाएगा, फिर काटा वाटा करवा के फिर गाड़ी खाली करवाएंगे। राकेश को मैंने मिर्ची टमाटर लेने के लिए भेजा दिख गया। तो दोस्तों हम जाते हैं सीधा फैक्ट्री में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ कांटे पे, अब कांटे पे हमारे एक गाड़ी आगे खाली हो रही है, तो पार्टी वाले ने बोला भैया वो गाड़ी खाली होने के बाद आपको बुला लेंगे। तो हम इधर पार्किंग में खड़े हो गए, तो अंदर हमारा चावल बन रहा है, तो खा पी के फिर जाएंगे, तब तक वो भी खाना खा लेंगे, उन्होंने बोला हम भी खाना वगैरह खा लेते हैं, तब तक वो गाड़ी भी खाली हो जाएगी दोस्तों, तब तक हम भी खाना पीना बना के खा लेते हैं, और फिर देखते हो कब तक आता है, और फिर आने के बाद फिर फैक्ट्री में जाएंगे। तो दोस्तों हमारा चावल बन के रेडी हो गया एकदम कम्प्लीट, और अब खाते हैं। और राकेश गया था छाछ लेने के लिए, तो छाछ लेके आ गया है, तो चावल वावल खाते हैं, तब तक वो भी आ जाएगा, फिर गाड़ी को खाली करके फिर सीधा निकल जाएंगे दोस्तों। तो अब हम गाते हैं, तो पार्टी वाला आ चुका है और हमारी गाड़ी को लगा दी हमने कांटे पे, काटा करवा के फिर जाते हैं गोडाउन में, वो आ गया था भैया चलो अब काटा करवा के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो काटा हमने करवा लिया है दोस्तों, अब जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो दोस्तों हमारी गाड़ी को हमने खाली होने के लिए लगा दिया है, और राकेश चाय लेने के लिए जा रहा है लेबर वाले की बाइक लेके, तो ये चाय लेके आ रहा है, हम फिर चाय वगैरह पीते हैं, और तब तक हमारी गाड़ी भी खाली हो जाएगा। अब हम इधर 1 बजे आ गए थे, 1 बजे से खड़े, अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो पता नहीं ये लेबर वालों को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेट आए थे ये लोग। तो अब गाड़ी को लगाया, अब 4 तो बज ही गया, तो 5:30 बज जाएगा खाली होगा तब तक। तो मैंने राकेश को बोला चल तू चाय ले, हम भी सो गए थे,
क्योंकि हमको भी रेस्ट करना था इसलिए। तो अभी भैया लोग आ चुके हैं तो अभी खाली कर देंगे ये लोग। चलो तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है लेट तो देखते हैं हमारे गाड़ी में गाड़ी कब तक खाली होती है। तब तक राकेश चाय लेके आ रहा, फिर चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर खाली करके फिर इधर से निकल जाएंगे। अपना जो भी मिलेगा चेक वगैरह जो भी यहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों देखते हैं हमारी गाड़ी कब तक खाली होती है। तो दोस्तों मेरा गाड़ी हो चुका है खाली और लेबर वालों को मैंने पेमेंट वगैरह सब दे दिया है। अब मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, पार्टी वाले को फ़ोन कर दिया, उसने बोला पार्किंग में आ जाओ भैया। तो अपन यहाँ से अब निकलते हैं दोस्तों और चलते हैं सीधा पार्किंग में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पार्किंग के अंदर। पार्किंग के अंदर अभी जस्ट आया तो खाना पीना हम रास्ते में खा के आ गए थे, तो अभी सो जाते हैं। अब आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में, कल नहाएंगे धोएंगे क्योंकि अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया 9 के आसपास हो गया, तो अभी सो जाते हैं दोस्तों। तो गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। दोस्तों मेरा भरने का नंबर आ चुका है, मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पर, डीजल भरवा रहा हूँ। डीजल भरवा के फिर यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, तो डीजल भरवा के फिर निकल जाएंगे। तो दोस्तों वो बात करेगा डीजल के लिए, वो बोलेगा फुल करना है, फुल करना है। तो भैया बात कर रहे, बात करने के बाद फिर डीजल डीजल भरवा के फिर निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डीजल मेरा भरना स्टार्ट हो गया है, ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला फुल करना है टंकी, तो डीजल हमारा भर रहा है दोस्तों। और अभी 7,000 के आसपास आ गया, तो टंकी को हमारे फुल करवा के फिर निकलते हैं भरने के लिए। तो पानी का कैन भी भरना था, राकेश भर रहा है ना कैन, तो पानी का कैन भी भर के लेके जाते ताकि उधर अगर टाइम मिलेगा तो अपन खाना बना लेंगे दोस्तों। तो टंकी भरने के बाद सीधा निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। टंकी मेरा फुल होने वाला है, तो थोड़ा सा खाली है तो भर जाएगा। और डीजल आ गया हमारा 32,000 के आसपास, तो फुल होने देते हैं, 2 सेकंड के अंदर फुल हो जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे साइन वगैरह करना पड़ता है, तो साइन वगैरह करके सीधा निकलते हैं भरने के लिए, यानी कि फैक्ट्री के लिए। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं, हमारा टंकी फुल होने वाला ही है। तो दोस्तों मैं रास्ते में चल रहा हूँ, राजकोट के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है, तो मेरा यहाँ से फैक्ट्री 4-5 किलोमीटर और होगा। तो दोस्तों चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। थोड़ा दिन में क्या है, थोड़ा ट्रैफिक चलता है राजकोट में सिटी के हिसाब से, तो अभी ट्रैफिक चल रहा है तो हम जा रहे धीरे धीरे। तो मैंने पार्टी वाले के लिए नंबर लेने के लिए ट्रांसपोर्ट वाले को कॉल भी कर दिया, बट वो नहीं उठा रहे हैं। तो वहाँ जाके और कॉल कर देंगे, तो उनका नंबर लेके और फिर उनको और कॉल कर देंगे, फिर वो काटा करवाने के लिए आ जाएंगे। फिर काटा वाटा करवा के दोस्तों वहाँ से फिर गोडाउन पे चले जाएंगे भरने के लिए। गोडाउन है कि कंपनी है, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। फिर वो जो लेबर वाला आएगा काटा करवाने के लिए, वो बता देगा भाई आपकी ये कंपनी है कि अपने गोडाउन वगैरह है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ से मिलती है हमारी गाड़ी। तो अब हम चलते हैं सीधा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कांटे पे और पार्टी वाले को मैंने फ़ोन कर दिया, वो कांटा करवाने के लिए आ रहा है, तो देखते हैं वो कब तक आता है। तो ये हमारी गाड़ी का कांटा होगा, यहाँ पे मुरलीधर कांटा है, ये कांटा करवा के फिर कंपनी में भरने के लिए जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों वो कब तक आता है, फिर कांटा करवा के यहाँ से निकलते हैं। तो भैया यहाँ चाय वगैरह पी लेते हैं तब तक वो आता है, तब तक तो फिर आने के बाद कांटा करवा के निकल जाएंगे। तो भैया आ चुके हैं कांटा करवाने के लिए, तो अब मैं लगाता हूँ गाड़ी को कांटे पे, तो गाड़ी को कांटा करवा के फिर निकलते हैं भरने के लिए। तो दोस्तों हमारी गाड़ी का कांटा कंफर्म हो चुका है, पर्ची मेरे पास ले ली मैंने। तो अब सीधा चलते हैं कंपनी के अंदर, फिर कंपनी के अंदर अभी लोड होगा, शाम को होगा, वो जाने के बाद पता चल जाएगा। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से 1 बज गया है, तो लंच वगैरह हो गया होगा, खाना पीना खाएंगे वो लोग लेबर वाले। तो देखते हैं, चलते हैं कंपनी के अंदर, तो अभी भरेगा, शाम को भरेगा, वो कंपनी में चलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं सीधा कंपनी के अंदर दोस्तों। तो हम आ चुके हैं कंपनी के अंदर और गाड़ी को हमने अंदर ले ली है। तो यहाँ पे गोडाउन नहीं है, यहाँ पर कंपनी है बड़ी, तो यहाँ से हमारी गाड़ी भरेगी, यहाँ से हमारी गाड़ी भरेगी दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ से हमारी गाड़ी भरेगी। तो गाड़ी को अभी के लिए तो साइड में लगा देते क्योंकि माल कम है, तो अभी तो मेरे हिसाब से तो अभी तो नहीं भरेगी गाड़ी। तो देखते हैं अभी गाड़ी को साइड में लगाते हैं, फिर उनसे बात करते हैं क्या क्या अभी भरेगी क्या शाम को भरेगी, तो उनसे बात करके कंफर्म करते हैं दोस्तों। तो मैं अभी के लिए गाड़ी को साइड में लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने गाड़ी तो लगा दी है साइड में, अब अंकल जी के पास जाते हैं कि अभी भरेगी कि शाम को भरेगी, क्या पोजीशन है। तो मैं एंट्री वगैरह भी करवा लेता हूँ वहाँ पे। तो दोस्तों मैं जाता हूँ सिक्योरिटी गार्ड के पास, तो वहाँ एंट्री करवाने की। तो दोस्तों मैंने एंट्री वगैरह करवा दी अंकल जी से, अब वो एक लेबर वाला आया, उसने बोला भैया अभी गाड़ी तो लगा दो, फिर लेबर वाले आने के बाद गाड़ी हम भरने लग जाएंगे। तो अब मैं दोस्तों गाड़ी को लगा देता हूँ, फिर वो आने के बाद वो गाड़ी भरेंगे। तो अभी के लिए मैं गाड़ी लगा देता हूँ। तो राकेश पिता ने किधर गया, अंदर ही सो रहा है। तो दोस्तों अब गाड़ी को अपन उधर लगा देते हैं, गाड़ी को पीछे लगा दिया है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, वहाँ से मेरी गाड़ी भरेगी। तो देखते हैं कब तक भरती है, अभी भरेगी शाम को भरेगी। तो अभी तो लेबर वाले यहाँ है नहीं, तो गाड़ी को अभी फिलहाल के लिए लगा दिया। तो देखते हैं दोस्तों मेरी गाड़ी कब तक भरती है। तो दोस्तों गाड़ी तो मैंने भरने के लिए लगा दो दी थी, बट अभी तक भी नहीं मेरी गाड़ी भरी।
तो मेरे को लग रहा है आज मेरी गाड़ी नहीं बनने वाली, नहीं तो ना तो कोई लेबर वाले मेरे को यहाँ दिख रहे हैं ना कुछ। तो हम भी सो गए थे और राकेश को भी मैंने उठा दिया, और राकेश को मैंने बोला चल चाय वगैरह पी के आते हैं, गाड़ी तो आज हमारा भरेगा भी नहीं, मेरे हिसाब से तो भरेगा भी नहीं, तो चलते हैं बाहर तो देखते हैं फिर चाय वगैरह पी के आते हैं, और फिर आने के बाद और एक बार उनको और पूछ लेंगे कि अभी हमारा गाड़ी भरेगा कि सुबह भरेगा। तो अगर अभी भी भरेगा तो मेरा गाड़ी सुबह ही निकलेगा, तो मेरे हिसाब से ये लोग सुबह भरेंगे गाड़ी भी। तो कुछ को चलो कोई दिक्कत नहीं था, अभी तो हम जाते हैं, हम भी आराम कर रहे थे, इतने सो गए थे यार क्योंकि गाड़ी भरी नहीं रहता तो हमारे चकने का कुछ मतलब भी नहीं था, हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो सो गए थे दोस्तों। तो अब चलो चाय वगैरह पीने के लिए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ आज के लोग यहीं तक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।